खंडवा लोकसभा के बागली विधानसभा उपचुनाव के दौरान उदयनगर पोलिंग बूथ रामपुरा पर मतदान के दौरान विवाद की स्थिति बन गई। बागली विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे और कांग्रेस नेता कमल वासकेल के बीच मतदान करवाने को लेकर नोकझोंक हो गई। भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने एक दूसरे पर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मतदान के दौरान भाजपा कार्यकर्ता भाजपा के पक्ष में वोटिंग करने का दबाव मतदाताओं पर बना रहे थे। इसे लेकर एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस नेता कमल वासकेल ने उदयनगर थाने में विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे के खिलाफ आवेदन दिया है। इसमें बताया है कि भाजपा विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे ने अभद्रता की है। इधर बीजेपी विधायक ने कमल वासकेल पर नशे में गाड़ियों से मतदाताओं को लाने का आरोप लगाया है। क्या बोल रहा था भाई? क्या किसकी गाड़ी रोको रहे थे हम? विधायक साहब, ये क्या उसकी आ रही क्या गाड़ी? हमारे एपी की। तुम इतने सारे खड़े हो यहाँ पोलिंग के सामने, ये पोलिंग सामने ये खड़ी है गाड़ी, तुम इतने सामने सबका खुलेआम प्रचार कर रहे हो? पोलिंग रामपुरा में खड़ा था, मुझे मेरे कार्यकर्ता कौन आया कि विधायक जी खुले रूप से चौराहे पे वहाँ पे रोड पे खड़े होकर सबको बोल रहे थे फूल लो वोट डालना, और उनके साथ 20-25 लोग थे, भाजपा कार्यकर्ता थे। उस समय मेरे बच्चों को गाली गलौज करे तुमको हम देख लेंगे, ऐसा पारसी करजू ने बोला। मुझे फोन आया, मैं आया गाड़ी लेकर, मेरी गाड़ी रोक ली। मैंने गाड़ी रोकी, भाई रोड पे प्रचार मत करो, आप प्रचार हो चुका है, आप तो आप अपने हिसाब से पोलिंग को चेक करो। ऐसी भाषा बोली तो पहाड़ सिंह कन्नौजे मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया। अभद्र करने के साथ उसका जो गनमैन था वो निकलने निकलता दूंगा तेरे को, बोले दीवार और मेरे को पीछे हाथ डाला उसने। ऐसे टाइम में मेरे को कुछ लोगों ने बोला भैया आप निकल लो, बोले झगड़ा हो जाएगा। वैसी स्थिति देख के मैंने कहा भैया चुनाव है, वो चुनाव में ऐसी स्थिति नहीं बनना चाहिए। जिसकी इच्छा हो वोट देगा, नहीं इच्छा वोट देगा। मतदान करने का अधिकार खुद का स्वयं का होता है। आप पहाड़ सिंह कन्नौजी एक DSP रैंक का आदमी होने के बाद भी इस तरह की अभद्र व्यवहार कर रहा है, जिसे हिटलर शाही कर रहा पूरा क्षेत्र में। अभी 118 लोगों की हमारे आदिवासियों को ट्रांसफर यहाँ से करा दिया उसने, वहाँ दूसरी जगह।